दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो हम जल्दी सीख लेंगे, अगर हम खुद की गलतियों से सीखेंगे तो उसमें टाइम लगता है और हमें बनने में टाइम लगता है। एक ज़माना था कि इंसान चाहता है कि रेगुलर हम क्लासेज लें 8-8 घंटे के 9-9 घंटे के, बट आज के टाइम पर इंसान नहीं चाहता, क्योंकि आज के टाइम में इंसान चाहता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, या मैं अभी मेरे को दिन में टाइम नहीं तो रात को पढ़ लूँ। तो ये बहुत आज के टाइम में बेनिफिट है उसका। और उसके अलावा क्या है कि कल के टाइम में हम मान के चलो कि हमने 3 साल ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन तो हमने जो करा वो ओपन से करा, डिस्टेंस से, साथ में हमने जॉब कर ली, तो हमारा दोनों चीज़ काउंट हो जाएगा। और दूसरा होता है एटीट्यूड, नजरिया, जैसे कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लूँ। अगर मुझे यहाँ से बाहर करा गया है इंटरव्यू से, या मुझे यहाँ से मना कर रहे हैं, तो क्यों करा। और उसके अलावा आपका नेवर गिव अप, कि मेरे अगर ये बंदा कर सकता है तो क्यों ना मैं क्यों नहीं। वो उनसे ये बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई हढ़ाई ये सब चीज़ें तो करो, उसके अलावा आप चैरिटी हो गया, पूजा पाठ हो गया, इन चीज़ों में भी भरोसा बहुत होता है, क्योंकि हम तो उत्तराखंड है, हमें पता है कि देवभूमि है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर मिलने जा रहे हैं मनीष कुवारपी से, जिनकी एज अभी जो है वो 25-26 साल की है, और इन्होंने जो है अपने जो कैरियर है वो 16 साल से आपका स्टार्ट कर दिया था। तो जो आपके 8-9 साल हैं इनके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इनने अलग अलग फील्ड में जो है काम किया, तो अगर आप इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपके और आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे मौका दिया और यहाँ पर इंटरेक्ट करने का बच्चों से थोड़ा बहुत अपने बारे में बताने के लिए, तो धन्यवाद सर जी। मनीष, तो मनीष जैसा भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ही लाइफ है तो हमको दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, तो हम भी यही चाहते हैं कि आपका जो ये लगभग 8-9 साल का एक्सपीरियंस है हमारे दर्शक उससे कुछ सीखें, तो आप थोड़ा सा अपने जो ये जर्नी है इसके बारे में बताना चाहेंगे। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले तो क्या है, देखो जो जर्नी, या तो हम अपने कुछ अपने लाइफ में कुछ जर्नी करके सीख लें, या फिर हम दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे। आपने सुना होगा या हमने भी सुना है, उससे क्या होता है अगर हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो हम जल्दी सीख लेंगे, अगर हम खुद की गलतियों से सीखेंगे तो उसमें टाइम लगता है और हमें बनने में टाइम लगता है। तो मेरा भी स्टार्ट किया है, मैंने ये कह रहा कि अपनी गलतियों से सीखते गया और उसमें मेरा टाइम लग गया। तो जब मैंने स्टार्टअप किया था तो यूट्यूब से स्टार्टअप किया, कि लोगों को देख के हम भी यूट्यूब में वीडियो बनाएंगे, एल्बम बनाएंगे करके। उसके बाद थोड़ा टाइम करा, 1-2 हज़ार करीब सब्सक्राइबर हुए, उसके बाद हमने वो छोड़ दिया। फिर उस टाइम पर क्रेज था कि कोई नई चीज़ स्टार्टअप करें, तो उस टाइम पर हमें MLM के बारे में पता लगा, आपने सुना होगा जो मार्केटिंग के तरीके, तो उसमें हमने MLM का काम स्टार्ट किया। 1-1.5 साल हमने MLM किया, उसके बाद क्या हुआ, MLM के में सारी टीमें कोलैब हुई, चीज़ें हुई, बट सीखने को मिला, क्योंकि मैंने जो भी फील्ड है कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत करके सीखने को जरूर सीखा। उसके बाद से नेक्स्ट काम फिर मैंने सोचा डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज आ रखा है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केटिंग पहले के ज़माना था कि ऑफलाइन चलती थी, बट आज के टाइम में ऑनलाइन है, हर प्रोडक्ट कुछ भी आपको सेल करना है, लोगों तक पहुंचाना तो ऑनलाइन है। तो मैंने आपका डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद मैंने लोगों के लिए करा भी, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के लिए हल्द्वानी में डिजिटल मार्केटिंग अभी भी करता था और लास्ट टाइम तक करा भी। और उसके बाद फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बाद फिर मेरा लॉकडाउन का चीज़ हो गया, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि लोगों के पास खुद ही पैसे नहीं है तो वो क्या मार्केटिंग कराएंगे, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कैफे हो। तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का काम हमारा बंद हो गया। उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, ये नहीं कि मैं घर चले जाऊँ या मैंने छोड़ दिया करके। उसके बाद से हमने जब थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुला तो हमने क्या करा, चिकन का स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्टअप करते हैं कि क्यों ना जो स्टार्टअप करते हैं, तो हमने क्या करा, चिकन काट के लोगों, क्योंकि लोगों को हमने ये समझ जो सीखा था वो बैंगलोर से सीखा था, स्टार्टअप है वहाँ पे ल्यूशियस करके, तो वहाँ से हमने सर हल्द्वानी में हंगर फैक्ट्री करके हमने चिकन का स्टार्टअप कर दिया, कि लोगों के घर घर तक हम चिकन पहुँचाएँ, लोग ऑर्डर करें ऑनलाइन और घर पहुँचाएँ। 2-3 महीने करा, मार्केटिंग में ही करता था तो बहुत अच्छा काम करा, बट बोलते हैं कि एक टाइम के बाद फंड नहीं होता है, तो हम पर फंड खत्म हो गया, तो वहाँ पे हमने क्विट कर दिया ये चीज़ है। उसके बाद से जो मैंने स्टार्टअप करा वो करा आपका ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के साथ कनेक्ट हुआ सर लोग के साथ, तो अभी मैं 2-3 साल से उसी में हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो मनीष जी हम इसमें ना डिटेल में अलग अलग बातें करेंगे, पहला MLM के बारे में बात करेंगे, फिर आपका जो है अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, हम भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो फ्यूचर है वो क्या है, कैसा रहेगा ऑनलाइन एजुकेशन? सर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ऑनलाइन जो ज़माना है ना आज के टाइम पर, यह है कि पूरा ऑनलाइन ही हो गया है। आप देखते होंगे कि एक टाइम पर हम लोग कपड़े के लिए, शॉपिंग के लिए मार्केटों में जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे, भीड़ों में धक्का होते थे, उसके बाद देखते थे, बट आज के टाइम में कि कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, आप कोई भी वेबसाइट में जाओ, कोई प्रोडक्ट आप करो, ऑर्डर करो, चुटकियों में हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम पर इंसान पर ना टाइम नहीं है जाने के लिए, मेन क्या टाइम होता है कि हम जाएँ कहीं पर, तो आज के टाइम पर टाइम नहीं, तो उसे बचाने के लिए इंसान ने आयो आपका खाना ही देख लो, एक चुटकियों में खाना करा, हमारे घर पर ऑर्डर हो जाता है ना। तो वही एजुकेशन का भी है, एक ज़माना था कि इंसान चाहता है कि रेगुलर हम क्लासेज लें 8-8 घंटे के 9-9 घंटे के, बट आज के टाइम पर इंसान नहीं चाहता, क्योंकि आज के टाइम में इंसान चाहता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, या मैं अभी मेरे को दिन में टाइम नहीं तो रात को पढ़ लूँ। बट ऑनलाइन में हम लोग, चाहे आप लोग भी, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो भी देखता हूँ, तो ऑनलाइन में हमें एक सिस्टम मिल रखा है कि हम घर में रात को 10-11 बजे बेडरूम से पढ़ सकते हैं। आपको रात को हमने LMS खोल लिया, लर्निंग मटेरियल सिलेबस, हमने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर कराए, दिन भर हम जॉब कर लिए,
तो ये बहुत आज के टाइम में बेनिफिट है उसका। और उसके अलावा क्या है कि कल के टाइम पर हम बात कर चलो कि हमने 3 साल ग्रेजुएशन कर लिया, और ग्रेजुएशन तो हमने जो करा वो ओपन से करा डिस्टेंस से, साथ में हमने जॉब कर ली, तो हमारा दोनों चीज़ काउंट हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा और साथ में आपका एजुकेशन भी का। तो उससे क्या होगा कि हमारे प्रमोशन में और पढ़ाई में आगे ग्रोथ में हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आज के टाइम पर काफ़ी बेनिफिट है डिस्टेंस एजुकेशन के, ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे अगर हम देखेंगे हमारे जो फौजी भाई होते हैं वो 10th pass 12th pass करने के बाद जो है वो आपका आर्मी में चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो अग्निवीर स्कीम में उसका देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, लेकिन जो पहले के आपके थे वो साथ साथ में ही जो है वो आपका ऐसी तरीके से ग्रेजुएशन करते थे, या फिर बहुत सारे लोग जिनके ऊपर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है वो भी आपका जो है कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, उनको भी एजुकेशन लेना है, तो वो किस तरीके से कैसे पता करेंगे कौन सी जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिस तरीके कोर्सेज करा रहा है और कौन सा वैलिड है, अप्रूवल कैसे, हाँ कौन सा मतलब अगर हम टेक्निकल की बात करें AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, वो कैसे पता, क्योंकि बहुत सारी फर्जी डिग्रियां भी चल रही हैं, तो वो कैसे पता करें। अगर जैसे कि हमारे आपने अच्छा वो बोला कि जैसे कि फौजी भाई लोग हैं ये लोग हैं, क्योंकि होता क्या है ना फौजी इंसान क्या होता है 10-12 pass करके 12 pass करके पहले के जो थे वो भर्ती हो जाते थे, अभी तो फिर चलो 12 pass से ग्रेजुएशन हो रहे हैं, तो आने के बाद फिर क्या होता है उन्हें जॉब नहीं मिलती है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या करना होता है उसने उन्हें अच्छी लाइफ स्टाइल जी होती है, जॉब करती है रिस्पेक्ट की जॉब करती है, तो आने के बाद एक हवलदार से भर्ती हो जाता है, उस टाइम पर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या मकान बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें जब जॉब ले आते हैं तो एक गार्ड की जॉब मिलती है, हाँ। वो सेटिस्फाई नहीं होता है उससे, और वहीं पे उन्हें ग्रेजुएशन कर लिया अपने डिस्टेंस से कर लिया ऑनलाइन कर लिया, तो वो आने क्योंकि वो वैलिड माने जाते हैं क्योंकि वो अपने जॉब के साथ साथ, तो वो आने के बाद अपना बैंकों में भी कर सकता है ट्राई, ट्राई पता होगा आपको कि बैंकों में भी सीट रहती है इसके लिए, और भी उस काफ़ी जगह पर वो ट्राई कर सकता है। और जो आपने बोला अप्रूवल के, आपको सेकंड क्वेश्चन था कि हम अप्रूवल कैसे चेक करेंगे, देखो 3 चीज़ अप्रूवल होता है, एक तो होता है टेक्निकल कोर्स के लिए, टेक्निकल से BTEC MTEC पॉलिटेक्निक, इसके लिए आपको चेक करना होता है AICTE अप्रूवल, गवर्नमेंट की साइड से आप AICTE चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, जो आपका BA UGPG जितने कोर्सेज हैं वो UGC वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें आप चेक करो कि कॉलेज का नाम है या नहीं है, यूनिवर्सिटी का सॉरी यूनिवर्सिटी अप्रूव है नहीं है, वो आप वहाँ से कर लो। बट अगर कोई ऑनलाइन कर रहा है, मान के चलो कि डिस्टेंस से कर रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है, वो चाहिए DEB, अच्छा हाँ, उसे बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो एक संस्था उन्होंने बना रखी गवर्नमेंट, वहाँ पर वो चेक करो आप, तो वहाँ का अप्रूवल है तो आप पेज चेक करिए, चीज़ें आप उसके अप्रूवल है, ठीक है। अगर इसमें आपसे हेल्प किसी को चाहिए तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकता है मनीष जी? हाँ, अगर मेरे को कोई भी अगर आप किसी को हेल्प चाहिए तो आपके उससे भी कनेक्ट होकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे खुद का ऑफिस है, आपका मुखानी पे ऑफिस हमारे, और रुद्रपुर में ऑफिस है, न्यू दिल्ली में है, खटीमा, काशीपुर, 6-7 ब्रांचेस हैं हमारी, तो इन ब्रांचों में कहीं पर भी है, और बाकी हम कॉन्टैक्ट और नंबर दे देंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग करो, मैं आपके नाम हम काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की, क्या बेटर रहेगा क्या बेस्ट रहेगा, तो उस चीज़ के लिए हम उसे सजेस्ट कर देंगे आप, मैं ये नहीं कि आप हमारे वहीं से, आप कहीं पर भी करो, बट एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया मनीष जी। अब थोड़ा मनीष जी, हम थोड़ा जैसे पहले बात कर रहे थे कि अगर हमारे उत्तराखंड के हम बच्चों को देखेंगे जो यंग लोग हैं, जो 17-18 साल के हैं, उनमें थोड़ा सा जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, या उनमें जो पब्लिक स्पीकिंग जो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ा सा आपकी कम होती है, तो उसमें कैसे वो लोग आपका काम करें यहाँ पे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था सर, क्योंकि बहुत सारे हमारे पहाड़ी भाई बंधु लोग होते हैं, क्योंकि हम भी पहाड़ी हैं, हम मैं रानीखेत से हूँ, तो वो लोग चाहते हैं कि यार आगे सक्सेस हो, बट वो गांव से तो निकल के आते हैं बट यहाँ मार्केट में आके फंस जाते हैं, क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, मैं 2-3 चीज़ें जो इंसान के अंदर होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, एक तो होता है भरोसा, बिलीव, क्योंकि अगर लाइफ के अंदर उनके अंदर जो सबसे कमी ज़्यादा दिखती है वो बिलीव की दिखती है, भरोसा नहीं होता है, खुद पे भरोसा नहीं होता ना, सेल्फ बिलीव नाम की चीज़ होती है, सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा है कि हाँ मैं चीज़ कर सकता हूँ, बहुत बेस्ट कर सकता हूँ, और वो अगर उन्हें थोड़ा गाइड करे तो करते भी हैं, बट पहले चीज़ क्या, वो खुद ही हार मान लेते हैं कि मैं कैसे करूँ क्या करूँ करके, ये तो सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़्यादा जरूरी होना है। और दूसरा होता है एटीट्यूड, नजरिया, जैसे कि आप सोचा पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लूँ, अगर मुझे यहाँ से बाहर करा गया इंटरव्यू से या मुझे यहाँ से मना कर रहे हैं तो क्यों करा, उसका रीजन जानूँ, अगर किसी के लिए तो उसके ऊपर फिर मैं काम करूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं बेटर होकर जाऊँ दूसरे ना, ये चीज़ें। उसके अलावा हम के एटीट्यूड हैं, जैसे कि एक होता है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, बहुत बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है आप देखते होंगे, या और कहीं पर से बाहर कर देते, तो ये रिजेक्शन के जो रिजेक्शन होता है उसे फेस करने का एटीट्यूड होना चाहिए, या बहुत सारी प्रॉब्लम आती है मार्केट में भी जाते हैं, जगह पर जाते हैं लड़के, है ना, तो ये चीज़ें होते हैं। और उसके अलावा आपका नेवर गिव अप, कि मेरे अगर ये बंदा कर सकता है तो क्यों ना मैं क्यों नहीं, वो दूसरा बंदा करे, वो तो एक आदमी है,
तो अगर वो कर सकते हैं मेरे अंदर भी तो टैलेंट है, मेरे अंदर भी है कि मैं कर सकता हूँ वो चीज़ को करके। ये तीन चार एटीट्यूड हैं और जो बंदे के अंदर होना चाहिए, और उसके अलावा आपका बिलीव है, और ये अगर बच्चा करके आए तो मैं साथ सोचता हूँ कि मतलब कि कोई बंदा हार समझ रहा है, फिर ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भी लगता होगा सर ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप बहुत अच्छा बता रहे हैं मनीष। तो मनीष थोड़ा सा ना आपका जो ये इतनी आपने जो आपके एटीट्यूड की बातें बताई हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस कोई घटना शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपको लगा कि हाँ कि ये जो है ये बहुत बढ़िया आपका एटीट्यूड है या बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे सीखनी चाहिए? ओके, मैं सर आपको एक एटीट्यूड से एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ हल्की से स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि स्टोरी क्या होता है ना उससे बच्चे अपने आप को रिलेट ज़्यादा करते हैं और स्टोरी याद रहती है। तो एक एटीट्यूड होता है ना लर्निंग और लिसनिंग एटीट्यूड, वो मैं बताना भूल गया था अभी। लर्निंग और लिसनिंग मतलब कि सीखना और सुनने की एटीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे लोग को सुनने की आदत नहीं होती कि सुन नहीं पाते हैं, हमें कहीं पर कोई अगर टीचर दे रहा है ज्ञान है कोई भी दे रहा है, हमें लिसनिंग एटीट्यूड रहना चाहिए। और दूसरा लर्निंग, किसी चीज़ को सीखना बंद नहीं, आपने सुना होगा कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद करके ना, तो ये चीज़ें। तो उसमें एक स्टोरी है हल्की सी कि एक बार क्या होता है, एक आपका वो एक आदमी होता है तो वो पेड़ काटने जाता है जंगल में कुड़ारी लेके। तो पहले दिन तो वो काटता है आपके 100 पेड़ काट देता है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरे दिन वो सोचता है कि 100 पेड़ में मुझे पैसे मिलने हैं, तो दूसरे दिन वो और जल्दी जाता है, दूसरे दिन वो सोचता है कि और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। बट दूसरे दिन क्या होता है कि वो जल्दी तो जाता है बट 90 पेड़ काट पाता है। ठीक है। अब वो तीसरे दिन जाता है, बोलता आज और ज़्यादा काट के आऊँगा, और तीसरे दिन वो और कम पेड़ काटता है। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर ऐसा क्यों हो रहा होगा उसके साथ? उसने या तो कुल्हाड़ी पे मेरे ख्याल से शायद काम नहीं किया होगा, जो कुल्हाड़ी उसकी थी उसको तेज नहीं किया होगा, या उसने जो है इतना काम करने के बाद जो है वो रेस्ट नहीं किया होगा जो उसको दोबारा से एनर्जी दे। एनर्जी सर, मैं बहुत सारे लोगों से बहुत पूछता हूँ ये क्वेश्चन हमें आ रहे जगहों पर, बट बहुत लोग गलत आंसर देते हैं। आपने बहुत अच्छा रिलेट करा उसे। देखो मेन चीज़ क्या है कि जो कुल्हाड़ी पे है ना धार, हाँ वो क्या करता था, सब चीज़ करता था पर धार नहीं लगाता था। धार मतलब क्या है, किसी चीज़ को सीखना, वही है ना कि हम किसी पैनिक कर रहे हैं दोबारा अपने आप को, हम अपने आप को है अब मान चलो मैं इसी उसमें हूँ, मैं अपने आप को अपग्रेड ना करूँ बिल्कुल तो मैं सक्सेस नहीं हो सकता हूँ, मैं सीखना बंद कर दिया। तो वही चीज़ है, वही चीज़ वो भी करता था, वो ज़्यादा था मेहनत करता था, वही हमारे लोग भी करते हैं मार्केट में। आप भी देखते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने उस सन में पढ़ा था ये करा था, अब आज मुझे पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। तो अपने आप को अपग्रेड होना और लर्निंग और लिसनिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक स्टोरी के माध्यम से, बड़ी तो थी नहीं, मैंने बच्चे सीख पाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे कहा कि लर्निंग एटीट्यूड तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग चीजें यहाँ पे सीखी है। अब मैं थोड़ा सा जैसे आपके MLM के बारे में जानना चाहूंगा। लोग MLM को थोड़ा सा बुरा मानते हैं, लेकिन मेरा तो पर्सनल ये मानना है कि MLM अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो आपका हो जाता है, भले ही आप MLM में ना रहें, आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ना रहें। तो आपका इस बारे में क्या मानना है? MLM के सर बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्रॉड है और कि फर्जी है, हमें तो हमारे लूट गया, हम सुना होगा आप लोगों ने चीज़ें। बट MLM के लिए मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं, मेरा ये मानना है कि हर ही फैमिली में से बच्चे को पर्सनली डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि करे ना करे फ्यूचर के लिए, नहीं, MLM के लिए 6 महीने या 1 साल अपने बच्चे को करवाना चाहिए। क्योंकि सर देखो होता है ना, एक प्रोडक्ट लेना होता है, अगर उसके कॉन्सेप्ट समझ में आए, MLM ये नहीं कि कोई चैन सिस्टम ही नहीं है, अगर चैन भी बना दो आप लोग भी जोड़ दो, प्रोडक्ट सही नहीं होगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ देखो, हमने किसी प्रोडक्ट ले लिया, अगर कपड़े ले लिए 8 हज़ार के पड़े कपड़े ले लिया, कोई ग्रोसरी ले ली, तो उससे हमारा बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है वहाँ पर। एक तो पहली चीज़ क्या होता है कि उसका वहाँ पर मनी मैनेजमेंट करना सीख जाता है, क्योंकि पैसे होते नहीं है तो वहाँ पर चीज़ें सीख। दूसरा कि लोगों के सामने बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, ये चीज़ें सीख जाता है। उसके अलावा वो पेशेंस लेवल उसके बहुत अच्छे हो जाते हैं कि यार धैर्यवान, क्योंकि चीज़ें लाइफ में धैर्य होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपको कमाई के लिए हो चाहे चीज़ों के लिए हो, तो ये सब चीज़ें वो उससे सीखता है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि यार कोई गलत वे में नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी MLM करा, 1.5 साल MLM करा, तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखी। और सबसे बड़ी जो चीज़ सीखी वो सीखी मैंने सेल वहाँ से, अच्छा। बेचने का तरीका आप देखो MLM में, मतलब मोटिवेशन का लेवल इतना हाई रहता है कि जेब में भले पैसे ना हो, वो दूसरे बंदे को इतने झाड़ पर झाड़ मतलब बोल देते हैं कि आप यहाँ पालो, ये कन्विंसिंग पावर तो है। और इसके लिए लोग पैसे भी ले रहे हैं। अगर आप देखो कि लोग की माइंडली किसी को अगर वो करते हैं, उसे बताते हैं, उसके लिए अच्छा खासा पेमेंट लेते हैं, काउंसलर लोग होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वही तो वो भी काउंसलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे आप देखते हैं कि हम लोग जॉब करते हैं, इंप्लॉय करते हैं, 8,000-9,000 कमा रहे हैं, 10,000-15,000, बट वो सेटिस्फाई नहीं होते वहाँ पे ना। और वहाँ पे कहते हैं कि इंसान नहीं भी कमा रहा है, बट उसके अंदर मोटिवेशन या चीज़ें पेशेंस लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। हाँ, सेल चीज़ें सीख सकता है कि जैसे कि मैंने तो जितने भी सेल के तरीके हैं मतलब ऑफलाइन वो वहीं से सीखी सारी चीज़ें ना। कोई एक तरीका बताना चाहोगे आप? हाँ, मैं ऑफलाइन के बता सकता हूँ, जैसे कि बेचने के तरीके, जैसे कि आप मान के चलो कि कोई भी इंसान है, अब हम उसे प्रोडक्ट सेल करें, एक तो जैसे कि हम उसे मतलब मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि अगर मेरे साथ कोई इंसान बैठा हो, मैं 100 में से 90% है कि मैं उसे प्रोडक्ट सेल करवाई दूंगा अभी के टाइम पे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो तो मैं करवाई दूंगा। क्योंकि यही होता है कि पहले तो हमें ना उसकी नीड जाननी होती है,
उसे जरूरी है या नहीं है। अगर मैं उसे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, कोई भी चाहे हम एजुकेशन नहीं कर रहे, अगर उसे नीड ही नहीं होगा तो कितना काउंसलिंग कर लो। हाँ, या दूसरा नीड के अलावा जैसे उसे जरूरत होगी चीज़ों को लेके, उसके सिर्फ उसे रिलेट करना होता है उसके फ्यूचर को, ठीक है। हाँ, अगर उसे फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है तो डेफिनेटली वो करेगा, फिर वो ये कोई भी चीज़ें नहीं करते ना। तो मैं अगर बात करूँ तो मैं तो आज के टाइम पे ऑफलाइन मार्केटिंग, मैंने जब हम चिकन का काम करते, आप बोले एग्जांपल, जब हम चिकन का काम करते तो मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग ही करी। मैं जितने हल्द्वानी के रेस्टोरेंट में जाके उन्हें बात करते, और तो मतलब ये समझ लो कि मार्केटिंग सीख के और लोग के कस्टमर जो थे, जैसे कि काफ़ी रेस्टोरेंट तो 15-20 साल से चल रहा, औरों से लेते थे, मैंने उनकी मार्केटिंग छुड़वाई हमें से, क्योंकि ऑफर चलाए, हम ऑफर चला सकते हैं, जैसे कि ऑफर चला के चीज़ें डिस्काउंट करा के या बाय वन कुछ फ्री करके, ये चीज़ें सब सेल में ही है। बाकी उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे, जिसमें हम आपको पता है आपको कि टारगेटेड मार्केटिंग, हाँ, टारगेट करके लोगों को ईमेल हो गया, एसईओ हो गया, ये चीज़ें करके हम पहुँच सकते हैं लोगों को। वो बिल्कुल एक अलग ही फील्ड है, उसके बारे में हम कभी डिटेल में जो है बाद में बातें करेंगे। और मनीष जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन फिर यही है कि जो अभी उत्तराखंड का जो युवा है, जो लगभग अभी 18 साल का है, जो किसी स्कूल में इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है या कहीं पे ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ कि पेपर की तैयारी करते हैं और उसके बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं या नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हार मानते हैं। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई हढ़ाई ये सब चीज़ें तो करो, उसके अलावा आप चैरिटी हो गया, पूजा पाठ हो गया, इन चीज़ों में भी भरोसा बहुत होता है, क्योंकि हम तो उत्तराखंड है, हमें पता है कि देवभूमि है और ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। जैसे कि मान चलो कि हम बहुत पढ़ाई करी, हमने एजुकेशन ले लिया, अब हमें रिलैक्स से चाहिए, और अगर मैं बोलता हूँ आप कहीं चैरिटी में चले जाओ, मैं ये नहीं बोलता कि आप लाखों में करो वो करो, अब 10-50 जितना आपसे हो जाए, आप साल में 2 बार कर लो, 1 बार कर लो, बट करना जरूरी है, क्योंकि उससे ना बहुत रिलैक्स मिलता है, उन लोगों के साथ बैठना, या आप कहीं मंदिर में चले जाओ, वहाँ मेडिटेशन कर रहे हो आराम से भगवान के सामने बैठ के, तो रिलैक्स होता है, उसके बाद फिर वो दोबारा से स्टार्टअप कर सकता है उसी के एनर्जी के साथ, ये चीज़ें। और हमारे यूथ क्या कर रहे हैं, सब चीज़ तो कर रहे हैं बट इन चीज़ों में नहीं कर रहे हैं, आपने भी देखेंगे सर कि पूजा पाठ में इंसान उतना बहुत कम जाता है, पार्टियों में चले जाओ, इनमें चले जाओ, ये सब चीज़ें करते हैं, इससे होता है, या ये चीज़ कर भी ले तो चैरिटी के नाम पर, मतलब मेरा मानना है, मैं करता भी हूँ, मैंने कम से कम इसी साल के मतलब 2-4 बार कर दिया है, मैं जितना उसके हेल्प करता हूँ, मैंने अपने दोस्तों को भी संदेश दे रखा, मेरे फ्रेंड सर्कल में, कि आप में से किसी का भी कोई बर्थडे हो या कुछ भी काम हो रहा हो तो अगर आपको करवाना हो तो मैं आपके साथ जाऊँगा, आप आ जाना, चाहे 500 का ही करो, हम करवाएंगे, या अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो आप मेरे को कर देना, जितना मैं करवा सकूँ गूगल पर अपनी तरफ से करा के, हम लोगों को आपको फोटो वीडियो भेज देंगे, अच्छे से करके आएंगे, अभी मेरा रिसेंटली बर्थडे था तो हम वहाँ भी करा के आए, तो ये चीज़ें था। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने बताया मानसिक शांति के बारे में, क्योंकि जीवन की आपाधापी में जो अंदर का जो खुद का मानव है ना, खुद का जो अंदर है स्वयं जो है, वो थोड़ा सा आपका डाउन होने लगता है, लेकिन इन्हीं चीजों से फिर रिचार्ज होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन जब आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं या जो आप चैरिटी की बात कर रहे हैं या कहीं पे आप मंदिर में आप जाएंगे, तो उन चीजों से जो है वो आपका दोबारा से रिचार्ज होता है, फिर दोबारा से भौतिक जीवन में फिर से हम उतनी मेहनत से और जो काम कर पाते हैं। और उसके अलावा एक ये है कि अपना मतलब एक फिक्स एक सीख लो कि यार मुझे किसी से सीखना है, मतलब एक लाइफ में एक गुरु लर्निंग का भी ना गुरु होना जरूरी है हमारे, कि जिससे हम कोई चीज़ें सीख रहे, जो हमारी मिस्टेक निकाले, मैं ये नहीं बोला कि आप कोई टीचर ही नहीं बोला, अपने माँ बाप के सिद्धांत, मम्मी पापा हो गए, दादी होगी, दादा हो गए, या आपको अच्छा गुरु लगता है, उनसे सीखना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानी है, ये चीज़ें, क्योंकि हम वो फेस अभी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रखी है ना, तो वो अगर वो हमें एक एग्जाम्पल चलें कि जैसे कि मान के चलो कि मैं अगर डिमोरल हो सोचता भी कि मैं डाउन हो जाऊँ या नहीं करूँ, तो मुझे वो चीज़ें याद आती है, वो कर रहे हैं मेरे घर वालों ने, फैमिली ने मेरे लिए इतना कर रखा है या मेरे इन लोगों ने कर, तो मुझे करना है, अगर उसके बाद फिर ऑटोमेटिक एक एनर्जी लेवल हमारी बढ़ती है, बिल्कुल ये चीज़ें ना, तो ये चीज़ें हैं थोड़ा मोटिवेट। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया मनीष जी, यहाँ पे आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, जिसको भी इस तरीके की वीडियो की जरूरत हो उसको आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।